एमजी के दो अच्छे से बच्चे, एक तरफ जेडस ईवी और दूसरी तरफ आस्टर, दोनों में से कौन सी आपकी चॉइस होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, यही जानते हैं इस डिटेल्ड वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु, जहां मैं आपके साथ शेयर करता हूं एमजी जेडस ईवी वर्सेस एमजी आस्टर, कौन सी आपके लिए सही रहेगी। शुरुआत एस्टेरा से करते हैं, पहले जेडस ईवी को समझते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक की बातें थोड़ा कम ही होती हैं। देखिए यहाँ पर आपको जो बड़ा चेंज दिखेगा वो दिखेगा इस जगह का, यहाँ पर कोई ग्रिल नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन बना हुआ है, नीचे कैमरा दिखता है एमजी के लोगों के नीचे, और यहाँ पर मिलता है आपको चार्जिंग का ऑप्शन जिसमें कि आप अपनी कार को आसानी से चार्ज कर सकते हैं, घर पर भी चार्ज कर सकते हैं, दोस्तों के यहाँ चार्ज कर सकते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ चार्ज कर सकते हैं, होटल ढाबे कहीं भी चार्ज कर सकते हैं, सब इंतज़ाम इस कार के भीतर ही दे रखा गया है, और यह फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। यहाँ पर आपको एलईडी हेडलाइट यूनिट मिलती है और इसी में आपको लोअर भी इल्यूमिनेट करने का ऑप्शन दे रखा गया है। यहाँ पर आपको ये डिजाइन एलिमेंट केवल और केवल इसी कार में मिलेगा। हाँ, ये जो डमी दे रखा गया है रडार बेस, वह यहाँ पर एक्टिव नहीं है, जबकि आपको आस्टर में एक्टिव मिलता है ऑटोनोमस ड्राइविंग लेवल 2 के साथ में, और फ्रंट से देखने में बाकी इसके ऊपर का हिस्सा ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगता है, नीचे के हिस्से में जरूर आपको बदलाव दिखेंगे। तो बताता हूँ क्या क्या बदलाव आपको आस्टर में मिलते हैं। अब आपसे बात कर लेता हूँ आस्टर के बारे में। आस्टर में भी आपको हेडलाइट यूनिट तो सेम ही मिल जाती है, वही एलईडी प्रोजेक्टर के साथ में, लेकिन नीचे आपको फॉग लैंप दे रखे गए हैं। सबसे बड़ा चेंज वो है यह ग्रिल में, यहाँ पर आपको प्योर ग्रिल मिलती है, वह भी सैटन फिनिश के साथ, जिसमें बीच में आपको एमजी का लोगो दे रखा गया, उसके ठीक नीचे आपको कैमरा मिलता है, और सामने ही मिलता है आपको रडार सिस्टम जो कि हेल्प करता है ऑटोनोमस ड्राइविंग लेवल 2 अचीव करने में। अब बात की जाए कि फ्रंट से देखने में कैसे लगती है, तो मुझे कहीं ज़्यादा यह अच्छी लगती है क्योंकि यह कन्वेंशनल कार की तरह दिखती है, ना कि जेडस ईवी की तरह जिसमें कि यह फ्रंट का हिस्सा बिल्कुल क्लोज है। अब बात करता हूँ साइड प्रोफाइल में क्या क्या चेंज दे रखे गए हैं। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो आस्टर के मुकाबले यहाँ पर आपको व्हील्स का डिजाइन बिल्कुल अलग मिलता है, इन पर आपको प्लास्टिक की कवरिंग मिलती है जो इसे एक नया लुक देती है, और यहाँ पर मिलती है इलेक्ट्रिक की बैजिंग, बाकी पूरे हिस्से में आपको कोई मेजर चेंज नहीं फील होगा। अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ भी मिल जाता है 17 इंच व्हील के साथ में, और यहाँ पर आपको रूफ रेल भी दे रखी गई है जो कि एक्टिव रूफ रेल नहीं है। हाँ, ऊपर आपको पैनोरामिक सनरूफ जेडस ईवी में भी मिल जाती है, यानी साइड से देखने में दोनों कारें बिल्कुल एक जैसी दिखती है, लेकिन जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो जेडस ईवी के मुकाबले यहाँ पर डिफरेंस साफ दिखता है। 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं जिस पर कोई कवरिंग नहीं है, साथ ही 215/55 प्रोफाइल्स के टायर्स दे रखे गए। यहाँ पर आपको ब्रेक डायनेमिक की बैजिंग मिलती है, जबकि जेडस ईवी में यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक की बैजिंग मिलती है। आउटसाइड रियर व्यू मिरर में ही इंडिकेटर और नीचे कैमरा दे रखा गया। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ भी काफ़ी शानदार है, और यह इसका ग्लॉसी हिस्से से दे रखा गया, जबकि वहाँ पर आपको दूसरा एलिमेंट है जो आप देख चुके हैं। यहाँ पर भी आपको क्रोम की लाइनिंग और नीचे आपको रिक्वेस्ट सेंसर दे रखा गया है। ऊपर रूफ रेल मौजूद है, यानी साइड से देखने में बड़े चेंजेस में एक बड़ा चेंज है वह है यहाँ पर ब्रेक डायनेमिक की बैजिंग, और जबकि आपको जेडस ईवी में मिली थी इलेक्ट्रिक की बैजिंग और अलॉय व्हील्स की कवरिंग। अब बात करते हैं रियर प्रोफाइल में क्या क्या चेंज है। हाँ, यहाँ भी आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। रियर प्रोफाइल की बात की जाए तो पीछे से देखने में ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई मेजर चेंज नहीं, यहाँ भी स्पॉइलर डिफॉगर वाइपर मिल जाता है, यहाँ पर भी इंटरनेट इनसाइड की बैजिंग मिलती है, बस यहाँ की बैजिंग बदल जाती है, यहाँ आपको जेडस ईवी की बैजिंग मिलती है जबकि उसमें मिलती है आपको एस्टर की बैजिंग। बूट ओपन करने का यहाँ भी सेम तरीका है, लेकिन असली चेंज जो है वो ये है, यहाँ पर ये डिजाइन एलिमेंट जो आपको मिल रहा है ये आस्टर में नहीं मिलता है जो कि जेडस ईवी में दे रखा गया। यहाँ भी पार्किंग सेंसर्स मौजूद है और नीचे आपको कैमरा मिलता है, और यहाँ से बूट आप ओपन कर सकते हैं। देखिए क्या बताऊँ, दोनों कारों में सिमिलर बूट है, सिमिलर स्पेस है, सिमिलर स्पेसिफिकेशन है, कोई चेंज नहीं, यानी बूट में दोनों एक दूसरे से कम नहीं है।
एस्ट्रा के कंपेरिजन में अगर इसके रियर प्रोफाइल की बात की जाए तो लगभग सब कुछ सिमिलर है यहाँ तक। यहाँ पर आपको जो ये बैजिंग है यह पुरानी मिलती है, जबकि उसमें आपको नई बैजिंग आ गई है। हाँ, यहाँ पर ZS की बैजिंग है और इस तरफ आपको एडास की बैज मिल जाते हैं, क्योंकि यह ऑटोनोमस ड्राइविंग लेवल सेकेंड के साथ आती है। और यहाँ पर एस्ट्रा की बैजिंग दे रखी गई है, पार्किंग सेंसर्स, और नीचे यहाँ पर आपको कैमरा भी दे रखा गया है। साइड में यह स्कूप अलग तरह के हैं, जबकि ZS EV में थोड़ा डिफरेंट दिखते हैं। हाँ, यहाँ पर ये फेक एग्जॉस्ट के भी नोट दे रखे गए, जो देखने में कूल लगते हैं। ओवरऑल पीछे से देखते हैं, दोनों कारें काफ़ी सिमिलर दिखती हैं, केवल इस बम्पर के पोर्शन को छोड़ दिया जाए तो सब कुछ एक जैसा ही है। अब चल के देखें अंदर क्या क्या चेंजेस है दोनों में। एस्ट्रा के कंपेरिजन में अगर इसके इंटीरियर की बात की जाए तो आप यहाँ पर वो जो खिलौना है ना उसे मिस करेंगे, जो थोड़ा आपकी तरफ देखा करता बार बार उसे जरूर यहाँ पर आप मिस करेंगे। लेकिन बाकी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल यहाँ भी मौजूद है, सॉफ्ट टच मटेरियल्स का बना हुआ, अच्छा खासा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट यहाँ भी मौजूद है। एसी वेंट्स देखने में काफ़ी कूल क्लासी लगते हैं। यहाँ पर पता नहीं क्यों डे नाइट का ऑप्शन नहीं दिया गया है। इधर भी आपको एक USB पोर्ट दे रखा गया है, ताकि आप डैश कैम वगैरह यहाँ पर कनेक्ट कर सकें। बड़ी साइज़ की पैनोरामिक सनरूफ इसमें भी मौजूद है, वायरलेस चार्जिंग यहाँ भी है, Type-C पोर्ट भी मौजूद है। और दूसरा जो बड़ा चेंज है वो ये है गियर बॉक्स में। यहाँ पर आपको स्पोर्ट मोड, नॉर्मल मोड, इकोनॉमी मोड के ऑप्शंस मिलते हैं, साथ ही कर्स काइनेटिक एनर्जी रिवर्स सिस्टम के बटन्स मिल जाते हैं, जिससे कि आप जब भी ब्रेक लगाएंगे आपकी कार की बैटरी दोबारा से अपने आप चार्ज होने लगती है, और बैटरी की इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाती है। यहाँ पर स्पीड सेलेक्टर नहीं है, गियर नॉब नहीं है, उसके बदले एक रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव मोड को सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रखा गया है, जो देखने में काफ़ी नीट एंड क्लीन लगता है कंपेरेटिवली गियर बॉक्स के। हाँ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और इलेक्ट्रॉनिक और ऑटो होल्ड के बटन भी दे रखे गए हैं। यहाँ आपको दो कप होल्डर्स और यहाँ भी थोड़ी सी जगह दे रखी गई है। सीटें ऑलमोस्ट वैसी ही हैं, बस इसमें आपको कोई भी वेंटिलेटेड सीट्स के ऑप्शन नहीं मिलते हैं। स्टीयरिंग व्हील ऑलमोस्ट वैसे ही है, यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट पैनल के कंट्रोल्स, और इस तरफ आपको मिलते हैं कंट्रोल्स म्यूजिक सिस्टम्स के और टेलीफोनी के ऑप्शंस मिलते हैं। बाकी सब ऑलमोस्ट वैसा ही है। ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि केबिन अच्छा है इसका भी, और चूंकि यह इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो यहां पर आपको काफ़ी ओपन स्पेस जरूर मिल जाता है। ZS EV के कंपेरिजन में बात की जाए तो आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं नज़र आएंगे, लेकिन एक चेंज ऐसा है जो आपको यहां क्लियरली एविडेंट रहेगा, वह है यह बोट जो आपकी तरफ इशारा करके बात करता है। इससे आप चाहें तो बात करके अपना मन बहला सकते हैं या टाइम पास कर सकते हैं। हेलो एस्ट्रा। हाय, हाउ कैन आई हेल्प? थैंक यू, आप ना ही करें तो अच्छा है। हाँ, लेकिन जो चीज़ आपका और ध्यान ले जाएगी वह है यहाँ पर रेड कलर की डिज़ाइन। आपको इस कार में भी बिल्कुल वैसे ही ट्रीटमेंट मिलता है जैसा कि ZS EV में, यानी जो भी हिस्सा आप टच करेंगे, जो आपके टच में आता है, वो सारा का सारा सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ है, यानी हार्ड मटेरियल का इस्तेमाल काफ़ी कम किया गया है। हाँ, थोड़ा सा इस्तेमाल यहाँ ऊपर के हिस्से में जरूर है, जो कि थोड़ा चुभता है, बाकी मुझे और कुछ भी नहीं कि इसमें खलता है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जहाँ भी आप हाथ लगाएंगे आपको अच्छी बिल्ट क्वालिटी का एहसास रहेगा। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम अच्छा है, इसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी शानदार है। कनेक्टेड कार वाले आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जो आपको काफ़ी इंटरटेन भी करेंगे, जो आपके लिए काफ़ी ईजी भी रहेंगे। अब बात किया जाए यहाँ पर AC के स्विच, तो वो यहाँ पर ही दे रखे गए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ZS EV मिलते हैं। यहाँ पर कोई वायरलेस चार्जर आपको नहीं मिलता है, हालांकि USB पोर्ट यहाँ भी मौजूद है। यहाँ पर आपको गियर लीवर मिलता है, जबकि उसमें आपको डायल दे रखा गया है। वहीं पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन मिलते थे, और यहाँ पर आपको ठीक पीछे दे रखे गए हिल डिसेंट, ट्रैक्शन कंट्रोल और 360 कैमरे के भी बटन यहाँ दे रखे गए, और पार्किंग और ऑटो होल्ड यहाँ पर भी मौजूद है, दो कप होल्डर्स, ये भी स्पेस है। और यहाँ भी अच्छी साइज का आपको ग्लोव बॉक्स मिलता है, और यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही सेम मिरर दे रखा गया है। बड़ी सी संदूफ मिल जाती है, जिसे कि पैनोरामिक संदूफ कहा जाता है, और कोई मेजर चेंज नहीं। सीट का कंफर्ट्स वैसे ही शानदार है, आपको यहाँ कोई कमी बिल्कुल नहीं खलेगी। रियर सीट की बात की जाए, बिल्कुल सिमिलर है, दोनों कारों में कोई चेंज नहीं है। इस कार में अगर हार्डली चेंज की बात आएगी तो पीछे की सीटों पे सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन का चेंज है, और कोई चेंज नहीं है। यानी स्पेस इसमें भी अच्छा है, बस अंडर थाई सपोर्ट यहाँ भी कम है।
जेड एस के बारे में बात की जाए तो आपको यहाँ पर मिलती है मोटर। हाँ, इसमें इंजन नहीं मिलता है क्योंकि यह इलेक्ट्रिक व्हीकल है और देता है आपको 177 PS की पावर 280 Nm टॉर्क के साथ, जो कि आपको 0 RPM से शुरू हो जाता है। यही वजह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते समय आपको एक्स्ट्रा पावर साफ साफ फील होती है, महसूस होती है, और चढ़ाई के समय पर आपको इसकी पावर में रियली मज़ा आता है। ओवरऑल ये बिल्कुल साइलेंट है और इसीलिए आर्टिफिशियल नॉइज जनरेट की जाती है स्पीकर्स के थ्रू, ताकि सड़क पर चलने वाले पेडेस्टल को पता चल जाए कि पीछे से कोई कार आ रही है। लेआउट काफ़ी नीट एंड क्लीन है, यहाँ पर आपको रियली मज़ा आएगा, सब कुछ खुला खुला सा नज़र आता है, ऊपर कवरिंग भी दे रखी गई है। अब चलते हैं आस्ट्रा की तरफ, देखते हैं वहाँ पर इंजन में क्या क्या मिलता है मुझे। जेडस ईवी के कंपेरिजन में यहाँ मिलता है आपको 1.3 लीटर टर्बो चार्ज्ड पेट्रोल इंजन, जो प्रोवाइड करता है 140 PS की पावर 220 Nm टॉर्क के साथ, जो कि हाईवे पर चलाते समय काफ़ी स्मूथ भी है, लेकिन सिटी ड्राइविंग में भी यह आपको पूरा मज़ा देता है अपने टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स के साथ में, जो कि रियली काफ़ी स्मूथ शिफ्ट के साथ आता है। हाँ, अगर नॉइज और वाइब्रेशन की बात की जाए तो ये बात बिल्कुल सही है कि IC इंजन इलेक्ट्रिक मोटर का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते, यानी परफॉर्मेंस के मामले में इलेक्ट्रिक मोटर बाजी मार ले आती है और कंफर्ट रिफाइनमेंट के मामले में भी इलेक्ट्रिक मोटर इससे तो बेहतर परफॉर्म करती है, हालांकि यह अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। अब बात करें ड्राइविंग सेक्शन की, कि वहाँ कैसा परफॉर्मेंस है इस कार की। कंपेरिजन की अगर बात की जाए जेड एस के साथ आस्टर के, तो जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि यह एक IC इंजन है, टर्बो चार्ज है, जिसके पास अच्छी पावर है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक की बात आती है तो वह बहुत ज़्यादा शानदार टॉर्क परफॉर्म करती है और उसका टॉर्क 0 RPM से स्टार्ट होता है, जिसका मज़ा ही कुछ और है। यहाँ पर थोड़ा सा टर्बो लैग फील होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। टॉर्क कन्वर्टर काफ़ी स्मूथ गियर बॉक्स है, जिससे कि आपको गियर शिफ्ट उतने अच्छे से फील नहीं होते, यानी आपको काफ़ी स्मूथ नज़र आएगा, जबकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक है जो कि कम्प्लीटली सीमलेस है। यानी अगर असली कंफर्ट की बात की जाए, पीसफुल ड्राइविंग की बात की जाए, तो ZS EV बाजी मार के ले जाती है, लेकिन कन्वीनियंट की बात की जाए तो मेरा मानना है कि यह कार रियली काफ़ी अच्छे पैकेज में है। कीमत इसका सबसे बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट है ZS EV के कंपेरिजन में, यानी कि आपको यहाँ पर फीचर्स भी खूब मिलते हैं और कम कीमत होने का फायदा मिलता है। अगर आपकी रनिंग कम है तो मेरी नज़र में टर्बो चार्ज्ड इंजन रियली काफ़ी अच्छी डील रहेगी आपके लिए, और अगर आपको कभी कभी ज़्यादा चलना पड़ता है तो भी यह इंजन आपके लिए परफेक्ट रहेगा हर कंडीशन में। हाँ, इसमें आपको वह इकोनॉमी नहीं मिलती है जो कि एक इलेक्ट्रिक कार में मिलती है, क्योंकि वहाँ पर यूनिट घर का खर्च हार्डली 7 रुपीज़ के आसपास होता है, हो सकता है आपके शहर में और भी कम हो। यहाँ पर फ्यूल की कीमत अब तो 100 रुपये भी हो चुकी है, और एवरेज की बात की जाए तो सिटी में आपको यह आसानी से 12-13 की फ्यूल एफिशिएंसी दे देता है, और हाईवे पर यह 16-17 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देता है। सेफ्टी की बात की जाए तो ABS, EBD, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, इसके अलावा 360 कैमरा जैसे फीचर्स यहाँ भी मिलते हैं, साथ ही आपको 6 एयरबैग जैसी सुविधा भी यहाँ मिल जाती है। यानी सेफ्टी में कतई कोई जोड़ नहीं है इस कार का। सबसे बड़ा सेफ्टी फीचर तो इसका ऑटोनॉमस ड्राइविंग लेवल 2 है, जो आपको इमरजेंसी में अगर आपसे गलती हो जाए तो भी वह आपको काफ़ी हेल्प करता है कार को रोकने में। यानी हाईवे पर फॉगी कंडीशन में, कम दिख रहा है, नाइट ड्राइविंग में, इन सब कंडीशन पे आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। राइड क्वालिटी अच्छी, हैंडलिंग वह भी ठीक ठीक है, थोड़े मार्क्स हैंडलिंग में जरूर कट करूँगा। ओवरऑल बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ZS EV। अगर आस्टर के कंपेरिजन में ZS EV की बात की जाए तो एक चीज़ जो आप सबसे अच्छे से नोटिस करेंगे कि टर्बोचार्ज्ड इंजन होने के बावजूद भी उसकी पावर कम फील होगी जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे होंगे। यानी ZS EV
आस्तर पर अपनी परफॉर्मेंस में भारी पड़ जाती है या और स्मूथनेस में भी उस पर भारी पड़ जाती है। यानी इंजन के मुकाबले इलेक्ट्रिक मोटर बैटरी के साथ जीत जाती है सीधे सच्चे शब्दों में। लेकिन क्या क्या चीज़ें हैं जो बिल्कुल एक जैसी हैं? जैसे सीटों का कंफर्ट बिल्कुल एक जैसा है, विजिबिलिटी बिल्कुल एक जैसी है, राइड क्वालिटी थोड़ी इसकी ज़्यादा प्लांटेड है, ये ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती है। वजह, बैटरी का एक्स्ट्रा वेट इस कार को ज़्यादा स्टेबलाइज कर देता है और रोड पर इसको ज़्यादा मज़े से आप चला पाते हैं और उसकी वजह से हैंडलिंग भी इसकी ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो जाती है। स्टीयरिंग फीडबैक दोनों का ऑलमोस्ट एक जैसा है और काफ़ी अच्छा है। एसी की बात की जाए तो एसी दोनों कारों में लगभग एक जैसा ही परफॉर्म करता है और यहाँ भी काफ़ी अच्छी आपको कूलिंग प्रोवाइड कर देता है, जबकि इतनी बड़ी पैनोरामिक सनरूफ होने की वजह से धूप सीधे भीतर आती है कार के, उसके बावजूद अच्छा एसी होने की वजह से आपको उतनी तकलीफ नहीं होती है। बस ये है कि जैसी धूप से आप कार स्टार्ट करते हैं उस समय जरूर आपको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन बहुत जल्दी यह अच्छे से कूल कर देता है। हाँ, वो अलग बात है कि अच्छी खासी गर्मी होने के बावजूद भी मैं इस समय एसी नहीं चला रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि फ़ैन की नॉइज़ से मेरी आवाज़ ख़राब ना हो जाए, केवल यह रीज़न है और कोई दूसरा रीज़न नहीं है। तो फिर असली चेंजेस है कहाँ? देखिए, आस्टर में वॉइस कमांड के फीचर्स के साथ साथ आपको एक छोटा सा यहाँ पे गुड़ी मिल जाता है, टॉय जैसा, जो आपकी तरफ इंटरेक्टिव होकर रिस्पॉन्स करता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा इंटरटेनिंग बना के रखता है। एक और चीज़ है उसमें, आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोनोमस ड्राइविंग के फीचर्स बहुत अच्छे से काम करते हुए मिलेंगे, जो कि आपको इस कार के साथ नहीं मिलते। यानी कि ZS EV एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी वो प्रीमियम फीचर्स को मिस करती है। बाकी मुझे दोनों कारों में अपना ही मजा मिलता है। चलिए अब बात करते हैं कंक्लूजन में कि आस्टर बेहतर या ZS EV बेहतर, या दोनों बेहतर हैं तो किसके लिए कौन सी बेहतर है, ये बातें होंगी कंक्लूजन में। कंक्लूजन में क्या बात की जाए, आपको यह बताना जरूरी है कि दोनों कारें अलग अलग तरह के लाइफ स्टाइल लोगों के लिए जरूरी है। जैसे कि ZS EV के मुकाबले अगर आस्टर की बात की जाए, इसे आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, हर जगह पेट्रोल पंप मौजूद है, आप चाहे 3 दिन चलाएं, चाहे 6 दिन चलाएं या 4 दिन खड़ी रखें, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि इस पर आपकी इनिशियल कॉस्ट कम लगती है और यह कहीं भी लंबी दूरी जर्नी के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन इसकी पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट कंपेरेटिवली इलेक्ट्रिक के लगभग 6 गुनी ज़्यादा है। वहीं अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक कार की, जो कि है ZS EV, तो अब नई जनरेशन में ज़्यादा बड़े बैटरी पैक के साथ आ गई है, जिसकी वजह से इसकी क्लेम्ड रेंज तो 461 किलोमीटर हो गई है, लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशन में यह 350 किलोमीटर की परफॉर्मेंस दे देती है। यानी अगर आपको डेली 200-250 किलोमीटर चलना है तो ZS EV आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर आपको रोज चलना है तभी वह फायदे का सौदा रहेगा, क्योंकि तब आप उसकी कीमत की भरपाई आसानी से कर सकेंगे। अगर आपकी रनिंग कम है तो मेरी नज़र में पेट्रोल टर्बोचार्ज इंजन आपके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। आपकी क्या ओपिनियन है बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि 350 किलोमीटर की रेंज भी हाईवे के लिए काफ़ी अच्छी रेंज मानी जाती है। अपनी ओपिनियन लिखना ना भूलिएगा। हाँ, मेरी नज़र में दोनों कारों की अपनी अपनी खासियत है और इसीलिए किसी एक को विनर घोषित करना बिल्कुल समझदारी नहीं है। ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा और यह भी बताइएगा कि आप अगला कंपेरिजन किन कारों के बीच देखना पसंद करेंगे। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शानदार कार के साथ, या कंपेरिजन में या किसी टेक्नोलॉजी की बातों में। देखते रहिए आस कार गुरु।